वेरी गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं और आगे के रास्ते के लिए निकल चुके हैं, और मिलूंगी आपसे इसी तरह से पूरे रास्ते। काफी फॉग, यहाँ पे ले रहे थे हम कुछ फोटोग्राफ्स। हम लोग छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और बीजापुर पहुंचने वाले हैं, और सोच रहे हैं कि कहीं हम लोग को चाय मिले तो चाय पिए, क्योंकि मॉर्निंग फर्स्ट में जो सबसे पहली नीड होती है वो चाय की ही होती है हमें, तो सोच रहे हैं कि चाय मिले तो अच्छा हो जाए। बज रहे हैं 7:30 और हम रुके हैं बीजापुर से थोड़ा सा आगे चाय हॉल्ट के लिए, और अभी हम लोग पियेंगे चाय, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। काफी देर बाद ही हमें चाय मिली है। मुझे लगता है कि इन सब जगहों में चाय का उतना कल्चर नहीं है जितना हमारे तरफ है, तो चाय पियेंगे उसके बाद आगे। तेलंगाना बॉर्डर, देखिए नदी कितना खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर नजारा और उतना ही गर्मी। चलिए गोदावरी रिवर का दर्शन कराते हैं आप लोग को। पानी तो बहुत कम है, देखिए इतना बालू उठाया है कि पूरा
गोदावरी नदी पे चाय पीते हुए। गास से कुछ गिरा हुआ है, गोल गोल जामुन टाइप का। कोयल है, कोयल है। पूरे रास्ते में आपको ये बंदर देखिए कितना सारा मिल रहा है। गड्ढे वाले रास्ते में, बीच बीच में रास्ता भी काफी खराब हमें मिल रहा है। एक टी ब्रेक के लिए हम लोग रुके हुए हैं और मैगी हमारा बन गया है। और ये जो आप कचड़ा देख रहे हैं ये हम उठा लेंगे। और आप सोच रहे होंगे हम हमेशा मैगी क्यों खा रहे हैं, तो मैगी कम टाइम लेता है और जर्नी में क्योंकि इतना लंबा सफर है तो ज़्यादा देर तक हम खाना बनाने में ही इंगेज नहीं रह सकते, इसीलिए। Cheers to all my viewers.
कुछ जगहों पे मेरा जो एडिटिंग ऐप है वो प्रॉब्लम कर रहा है म्यूजिक लेने में, और बाकी जगहों पे हमारे कार में गाना बज रहा है। तो पता नहीं कॉपीराइट का क्या क्या प्रॉब्लम है, ये इसकी पूरी तरह से मुझे समझ नहीं है। तो बात बात पे कॉपीराइट मिल जाता है, जिसके कारण से मैंने पूरा म्यूट ही रख दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके हुए हैं, इस समय तक तो आने और अभी भी 260 किलोमीटर हम लोग को जाना बाकी है। अभी कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं और हम लोग काफ़ी थक चुके हैं 2 दिन से ड्राइव करते करते। और खाने में पता नहीं क्या है, जो भी है, आलू सब्जी, टमाटर का चटनी, मैदा का रोटी, हेलो मैम, मैदा का रोटी है। ये मिर्चा, मिर्चा मिर्ची। खाना हमारा हो चुका है और खाना मुझे उतना पसंद नहीं आया, और अब मैं अपना दवाई खाऊंगी और यहाँ से निकलेंगे हम लोग। अभी 200 किलोमीटर से ऊपर और चलना है और काफ़ी थक चुकी हूँ, पर कोई उपाय नहीं है। और मैंने खाया मिर्च, क्योंकि सब्जी उतना अच्छा पसंद नहीं आ रहा था और रोटी भी मैदे का था, तो मिर्च के साथ ही किसी तरह खाया है, क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी है तो भूखे पेट भी नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। और हम लोग बेंगलोर में अपने डेस्टिनेशन पे अपने होटल के पास पहुंच गए हैं, लेकिन शायद हमारे होटल वाले ने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था। तो अभी जो हमने बुकिंग करी थी उसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, वो पता नहीं। अभी जस्ट होटल के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और रात काफ़ी है। कितना बज रहा है?
और टाइम भी 1 बज चुका है, तो देखते हैं अभी हमारे दोस्त जो है अंदर गए हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं तब मैं अंदर जाके आपको रूम का अपडेट देती हूँ, और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी लरखराई हुई लग रही होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, नींद आ रही है, 2 दिन से गाड़ी में ही है, तो इसलिए एग्जीबिशन को लेके पूरा हर जगह जिस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग को होटल चाहिए ताकि जहाँ हम लोग को एग्जीबिशन में जो जाना है वहाँ से नज़दीक रहे हर चीज़, हमें जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, वरना बेंगलोर का जो ट्रैफिक है उसको सभी जानते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो ज़्यादातर होटल्स हैं, बल्कि सभी होटल्स बुक हो गए हैं, सभी में गेस्ट फुल हैं, तो इतने रात में कहाँ आप होटल खोजेंगे। तो मुश्किल से हमें एक होटल मिला है जो एटलीस्ट साफ़ सुथरा है, और हमारी जो फर्स्ट नीड होती है वो साफ़ सफाई होती है। तो आइए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये एक सिंगल बेड है, ये इंट्रेंस है, और इंट्रेंस के पास ये एक सिंगल बेड, एक टीवी और ड्रेसिंग टेबल जैसा कुछ है, और ये डबल बेड है, और यहाँ पे कबर्ड है, और इस जगह पे एक सिटिंग एरिया दिया हुआ है छोटा सा, और ये बाथरूम एरिया है। तो रूम साफ सुथरा और छोटा सा मगर अच्छा रूम है। कुछ नहीं, हाथ पैर धोऊंगी अच्छा से और सीधे बेड पे एकदम सो जाना है, और कुछ नहीं, और मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और मैं पूरा फवल कर रही हूँ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।